जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये ब्लैक फंगस है क्या चीज़। ब्लैक फंगस ये कि एक कॉमन नाम दिया गया है, बेसिकली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको कहें तो ये म्यूकोर माइकोसिस है। म्यूकोर एक टाइप का फंगस होता है, उसकी इन्फेक्शन जब यहाँ पे हो शरीर में हो जाती है तब इसको म्यूकोर माइकोसिस इस बीमारी का नाम है। कॉमन लैंग्वेज में इसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई नई बीमारी है, आज पहली बार आई है, ये इस बीमारी के मरीज हमारे पास जनरल पॉपुलेशन से हमेशा आते रहते हैं, पर संख्या इनकी कम होती है। वर्तमान समय में कोविड के साथ इसका एसोसिएशन देखा गया है। लोगों को जब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है, ऑक्सीजन चलता है, साथ में स्टीरॉयड चलते हैं, उनकी इम्यून पावर कम हो जाती है, तो इन खास ग्रुप ऑफ पेशेंट में इसकी संख्या जो है वो अधिक मात्रा में लोगों को ये म्यूकोर माइकोसिस होते देखा गया है। इसलिए इस कोविड के साथ एसोसिएशन के चलते वर्तमान समय में इस डिजीज़ का एक प्रचार और इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कोई खतरनाक बीमारी है या आज से पहले कभी नहीं हुई। और रही इलाज की बात, तो इसका इलाज जो है वो पहले से ही हमारे पास उपलब्ध है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो पहले शुरू में मेडिसिन चलती हैं, अगर मेडिसिन्स के साथ कंट्रोल ना हो तो उस जो हिस्सा काला हो जाता है, जो डैमेज हो जाता है, उस हिस्से को निकालना पड़ता है सर्जरी करके। तो हमारे पास इस बात के यहाँ पर इस तरह की बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन्स एज वेल एज सर्जिकल कॉम्पिटेंस उपलब्ध है।